गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज टॉपिक स्किन इन्फेस्टेशन डिजीज, यानी कीड़ों का फैलना। फर्स्ट है स्केबिस। स्केबिस इज ए कॉन्टाजियस डिजीज कॉज बाय द माइट सार्कोप्टस स्केबी। जो स्केबिस है जो स्किन स्किन में मोस्ट ऑफली इसमें जो प्रॉब्लम होती है इचिंग एंड बर्निंग वाली वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो माइट्स है सार्कोप्टस स्केबी के कारण होती है। यह जो सार्कोप्ट माइट्स है ये आठ पैर यानी एट लेग्स सूक्ष्म माइट्स होते हैं जो जो काफ़ी संक्रमक होते हैं और एक दूसरे से इन्फेक्टेड काफ़ी फैलाते हैं और आसानी से ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट से फैल जाते हैं। और इसके बीच को द ह्यूमन इट्स माइट्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी एंड डेमोग्राफिक्स। माइट्स आर डिस्ट्रीब्यूट वर्ल्ड वाइड, इफेक्ट्स ऑल रेसेस, सोशल इकोनॉमिक डिजीज, क्लासेस इन ऑल क्लाइमेट्स, हायर प्रिविलेंस इन अर्बन एरियाज, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी इन विंटर देन समर। नेक्स्ट है स्केबिस ट्रांसमिशंस। फर्स्ट है डायरेक्ट प्रोलॉन्ग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द ट्रांसमिशन अमंग सेक्सुअली एक्टिव यंग पीपल। दैट स्केबिस हैज ए कंट्रीड बाय मेनी टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऑल थ्रो नॉट ऑल केसेस आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। एक्सपोजर इज द मोस्ट कॉमन। नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, डे केयर सेटिंग्स कैन बी आल्सो द स्प्रेड हाउसहोल्ड इन दैट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रोटिंग टॉवल्स एंड बेडिंग। नेक्स्ट जो ट्रांसमिशन सोर्स होता है अकर्स एज ए लॉन्ग पर्सन टू इन्फेस्टेड एंड अनट्रीटेड इंक्लूडिंग इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है इसके भी सिम्टम। फर्स्ट सिम्टम होता है इसमें पीपल लाइक रेस और बोरोज बिटवीन फिंगर्स एंड रिस्ट, एल्बोज, आर्मपिट्स, बेल्ट लाइन, नेवल, एब्डोमेन्स एंड और बैक ऑफ द हिप। नेक्स्ट है इथ्रोमेटियस यानी रेड स्किन्स, इंटेंस इंचिंग ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी स्पेशली एट नाइट। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ द बॉडी कोज बाय स्क्रैचिंग, यानी हाथों में स्क्रैचिंग यानी फैलाने से ये सोर्स ऑफ द बॉडी कोज बाय स्क्रैचिंग। सोर्स कैन समटाइम्स बिकम इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया, यूजली स्ट्रेप्टोकोकस, पायोजिन्स और स्टीफिलोकोकस एरियाज। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है माइट्स का वो क्या होता है 260 फीट विदाउट प्रीवियस एक्सपोजर। नेक्स्ट 1 to 4 डेज आफ्टर री इन्फेस्टेशन यूजली माइल्डर। इसके बीच रस। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। जो इसके बीच जो माइट्स है वे जो क्या करते हैं कि जो स्किन्स में ब्रोइंग करते हैं और जो फीमेल्स माइट्स होती है वो अपने एग्स को वहाँ छोड़ देती है और एग्स जो होते हैं जो ब्रश होते हैं यानी फूटते हैं तब उनमें से क्या है एक लार्वा निकलता है। जो लार्वा क्या होता है वो अलग अलग स्किन के पूरे सरफेस में फैल जाता है और इसके बीच के जो है काफ़ी इन्फेक्टेड होता है और संक्रमक फैलाता है। द माइट्स एस के बी स्प्रिट्स डिजीज थ्रो डायरेक्ट प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट बिटवीन होस्ट। द माइट रिमेन्स वाइबल फॉर 5 days ऑन इनिमिडेट ऑब्जेक्ट, therefore transmission through the mites such as infected bedding or clothing is possible। जो mites है वे कपड़ों में 4 to 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं, रिमेन रह सकते हैं। once bound in their host 10 to 15 mites may be surface of the skins। next after mating the male mites dies। जो मेल्स माइट्स होते हैं अगर हम कपड़ों को किसी बॉक्स के अंदर रख दें तो क्या होता है जो माइट्स होते हैं वो मर सकते हैं अगर उन कपड़ों को दोबारा हम यूज़ ना करें, क्योंकि माइट्स जो है क्लोथिस में इन कपड़ों में जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। द फीमेल माइट्स ब्रोज इन टू द एपिडर्मिस ऑफ द होस्ट यूजिंग द फ्रंट लेग्स, वेयर इज द लेज अप टू 3 eggs पर डे और ड्यूरेशन 13 to 16 days लाइफ टाइम। तो फीमेल जो माइट्स होते हैं वह
जैसे ही 3 पर डे अंडे मतलब देते हैं, और जो उनका ड्यूरेशन टाइम होता है वो लाइव का वो होता है 13 to 16 days टाइम। एन इफेक्टेड होस्ट हार्बर्स अप्रोक्सीमेटली 11 एडल्ट फीमेल माइस ड्यूरिंग टिपिकल इन्फेस्टेशन, द एग्स ऑफ हैच इन 3 to 4 days। यानी जो एग्स होते हैं वो अन्य किसी वस्तु में भी 4 to 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं। द लार्वे माइग्रेट टू स्किन सरफेस एंड बिरो इन टू द स्किन हेयर फॉलिकल्स फॉर्मिंग शॉर्ट बिरोज कोल्ड मोल्टिंग पाउचेस। लार्वा हैव 3 pairs ऑफ लेग्स एंड लास्ट ओनली 2 to 3 days टर्निंग ऑफ लिम्स। लिम्स हैव 4 pairs ऑफ लेग्स बिकम एडल्ट वीक्स आर लेटर। मेटिंग अकर्स वेन मेल माइट पिनिट्रेट्स ऑफ द मोल्टिंग पाउच ऑफ द फीमेल माइट। नेक्स्ट, इम्प्रिगेटेड फीमेल्स एक्सटेंड देयर मोल्टिंग पाउचेस इन टू द ब्रोज लेंग्स इन टू द प्रोसेस सर्विंग 1 to 2 months टल अंडर द स्किन। द डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव फोर, द डिलेड टाइप फोर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टू द माइट्स द एग्स स्कैबुला पैक्स ऑफ फीसेस ऑकर्स अप्रोक्सीमेटली 30 days आफ्टर इन्फेस्टेशन। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ द इंटेंस प्यूरोसिस प्यूरोटाइटिस विच इन द हेलमार्क ऑफ द डिजीज। नेक्स्ट, स्केबिस इन्फेस्टेशन माइट्स बोरो अंडर द स्किन फीट ऑफ द लेग्स कैन बोरो बीनीथ स्किन टू 2 to 5 minutes एल्डर फीमेल माइट्स 3 to 0.3 to 0.4 mm लॉन्ग। नेक्स्ट है, लेबोरेटरीज ऑफ स्केबिस माइक्रोस्कोपिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फेसेस और एग्स। माइक्रोस्कोपिक डेमोन्स्ट्रेशन क्योंकि जो माइट्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोपिक डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें माइक्रोस्कोपी होती है। ए ड्रॉप मिनरल ऑयली फे पेलेस्ट ऑफ द स्पेशल लीजन्स बिफोर रिमूवल। द स्क्रैपिंग्स आर ट्रांसपेरेंट डायरेक्टली और ग्लास थलाइड ए ड्रॉप ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एडेड एंड ए कवर स्लिप अप्लाइड। नेक्स्ट, स्किन बायोप्सी लेते हैं इन रेयरली नेसेसरी टू मेक डायग्नोसिस। सीवियर कंडीशन में हमें स्किन बायोप्सी भी लेनी पड़ सकती है। अब है स्केबिस ट्रीटमेंट। एप्लीकेशन इज स्केबिसाइड ओवर एंटायर बॉडी बिलो हिड। क्रीम शुड बी रीअप्लाइड हैंड्स ओवर रूटीन हैंड्स वॉशिंग सिंस हेड और ऑफ्टन इन्फेक्टेड। इंचिंग में कंटिन्यू सीवियर वीक्स डिस्पाइट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इन 5% इन केसेस। सेकेंड ट्रीटमेंट में बी नर्सरी आफ्टर 7 to 10 days। ट्रीटमेंट में पहले सल्फर स्केबिस हैज स्ट्रोकोली ट्रीटेड विद टिपिकल सल्फर ए ट्रीटमेंट स्टिल टू यूज टूडे। 10% सल्फर इज येलो सॉफ्ट पैराफिन इन सेफ एंड इफेक्टिव। 2.5% यूज द स्केबिस इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस एक्सेसिव फॉर हाइयर कंस्ट्रक्शन में कॉज इरीटेशंस। ज़्यादा सल्फर यूज करने से कंस्ट्रक्शन में भी कॉज इरीटेशन भी हो सकता है। यंग में ये 2 to 5% यूज एंड 10% सल्फर इन येलो सॉफ्ट पैराफिन इन सेफ इफेक्टिव। नेक्स्ट है लिंडेन 1% गामा बेंजिन हेक्सोक्लोराइड। लिंडेन इज ए ऑर्गेनोक्लोराइड ए सिंगल एप्लीकेशन वास्ट आफ्टर 12 to 24 hours। 6 hour एप्लीकेशन इज यूकली इफेक्टेड। एडवर्स इफेक्टेड न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट सीजर्स। टॉक्सिकली वाइज यूजुअली ए रिजल्ट एक्सेस टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर एक्सीडेंट इन गेस्टेशन। लिंडेन शुड नॉट बी यूज ट्रीट प्रीमेचर इन्फेंट्स पर्सन विद ए सीजर्स डिसऑर्डर वुमेन्स हु हैज प्रेगनेंट और ब्रेस्ट फीडिंग्स पर्सन हु हैव ए इरिटेड स्किन ऑफ सोर्स वेयर द लिंडेन विल बी अप्लाइड इन्फेंट्स चिल्ड्रन द एल्डरली एंड पर्सन्स हु विथ लेस देन 110 pounds। नेक्स्ट है मेलाथियोन 0.5% इन एक्वास बेस। नेक्स्ट, फॉर वन एप्लीकेशन इन एन एडल्ट 100 ml लोशन इन सफिशियंट।
अप्लाई ए कूल ड्राई स्किन यूजिंग क्लीन पेन थ्रस्ट और कॉटन वूल. इट शुड बी लेफ्ट ऑन द स्किन फॉर 24 hours. नेक्स्ट, इफ हैंड्स आर वॉश्ड विद सॉप एंड वाटर ड्यूरिंग द 24 hours, इट शुड बी रीअप्लाइड टू द हैंड्स. ए सेकेंड एप्लीकेशन आफ्टर द इंटरवल ऑफ ए वीक. नेक्स्ट, स्किन इरिटेशन में समटाइम अकर. नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट. टीच द पेशेंट अबाउट द प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशंस एंड हाउ टू प्रिवेंट री इन्फेस्टेशन. क्लोज द पर्सन कॉन्टेक्ट शुड बी ट्रीटेड सेम टाइम. टीच देम द वॉश ऑल इनलेस टॉवल्स एंड क्लोथिंग यूज बाय द पेशेंट ड्यूरिंग इट 2 days बिफोर ट्रीटमेंट इन हॉट वाटर एंड ड्राई देम इन हॉट ड्राई. दिस इज कंप्लीट स्केबिस स्किन इन्फेस्टेशन डिजीज. नेक्स्ट है पेडिकुलोसिस. डेफिनेशन ऑफ पेडिकुलोसिस कैपिटिस इज अ कॉमन कंडीशन कॉज बाय इन्फेस्टेशन ऑफ द हेयर एंड स्कल बाय पेडिकुलोसिस ह्यूमिनस कैपिटस द हेड लाउस. ये कॉमन कंडीशन है जिसमें बालों के अंदर या स्कल में ये पेडिकुलोसिस ह्यूमन कैपिटस जो इन्फेक्शन करते हैं इन्फेस्टेशन होता है. द ह्यूमन लॉस इसको हेड लॉस भी कहते हैं, यानी बालों में जुआ का होना. और यह जो पेडिकुलोसिस होती है ये ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट से ज़्यादा फैलती है. द थ्री लाइज ऑफ स्पेसिस डेट इन्फेस्ट ह्यूमन्स आर पेडिकुलस ह्यूमन्स कैपिटिस हेड लॉस एंड पिथ्रेस प्यूबिस लॉस पेडिकुलोसिस ह्यूमनस कॉर्पस बॉडी लाउस क्लोथिस लाउस. नेक्स्ट है गेटिंग हेड लाउस नॉट ए रिलेटेड टू क्लीननेस ऑफ द पर्सन और हिज हर इन्वायरमेंट. ये जो है किसी क्लीननेस और इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं होता. पेडिकुलोसिस शरीर के बालों में या हिस्सों में या कपड़ों में एक संक्रमक डिजीज है जिसमें ये होता है कि जो लाइस है वे अपने एग्स को वेस लाइस होते हैं जो अपने एग्स को बालों के में लार्वा के रूप में छोड़ते हैं जो परिपक्व होने में लिए एक लाइस का रूप लेते हैं. इस शरीर में जो रेंगने मानव के रक्त के यानी जो ह्यूमन ब्लड्स है उनसे ये फीड करते हैं और उनके परिणाम रूप ये बढ़ते हैं. और इनके परिणाम स्वरूप जैसे डिजीज में हेयर्स में खुजली एंड हो सकती है. नेक्स्ट है लाइफ साइकिल्स ऑफ द पेडिकुलोसिस. जो लाइफ साइकिल्स है पेडिकुलोसिस का वो 3 स्टेज होती है. उसमें पहला होता है एक, दूसरा होता है निम्स और तीसरा होता है एडल्ट. इसमें क्या होता है कि दे जो होती है लाइस विद 3 mm जो ओवम है यानी अंडे हैं वे आमतौर पे पीले सफ़ेद रंग के होते हैं जो तक हो 3.3 से 0.8 mm तक के होते हैं. जो निट्स को ये हैच करने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है. यानी जो निट्स होते हैं उसको हैच करने में लगभग 1 सप्ताह लगता है जिससे यानी 6 to 9 days. जो उसका लाइफ साइकिल होता है यानी जो लाइस का लाइफ साइकिल या लाउस जो होती है वे एक वेस्ट जू यानी उनका जीवन काल होता है वो 1 month का होता है. इस समय के दौरान ये जो फीमेल लाउस होती है वे लगभग 90 एग्स जमा कर सकती है एक बार में. यानी 7 से 10 दिनों के लिए ये एक के बाद एक नीड्स को हैच करने और एक के 10 दिनों में ये बाद में वेस्क सिर में जूम परिव करता है. और जो परिव होता है वह ह्यूमन ब्लड से ही फैलता है या फीड करते हैं जिसके दौरान ये परिपक्व होते हैं. और ये चक्कर फिर शुरू हो सकता है अगर हम पेडिकुलोसिस को नहीं रोके तो लाइफ साइकिल्स. द हेड लाउस बिगिंस एज एग हेड लेड नियर ए स्कैल्प एंड ग्लूड फिर्मली टू हेयर शार्प आफ्टर 3 to 4 days. द एम्ब्रॉय सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फुली डेवलप्ड. इट हैचेज एट ए लिम्फ इन 7 to 10 days, 9 to 12 days आफ्टर हैचिंग. द
द लिम्फ डेवलप इंटू सेक्सुअली मैच्योर मेल और फीमेल विद इन 24 आवर्स मेटिंग द मैच्योर फीमेल हाउस बिगिनिंग लाइंग 7 to 10 एग ए डे रिपीटेड फर्टिलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एडल्ट लाइस कैन बी लाइव अप टू 30 डेज ए पर्सन हैड टू लाइव एडल्ट लाइस नीड टू फीड टू सेवरल टाइम्स डेली विदाउट ब्लड मेल्स टू लाउस विल डाई विद इन 1 to 2 डेज ऑफ द होस्ट द फीमेल इंस्टेक्ट लाइफ साइकिल्स लार्ज फॉर द वन ऑफ 3 months एंड सी लेस अप टू 300 एग्स एट ए स्किन हेयर जंक्शन दैट हैच एंड मैच्योर ऑफ द एडल्ट इन 20 डेज नेक्स्ट एग्स आर येलो एंड वाइट कलर एंड कैन बी फाउंड अटैच द बेस ऑफ बॉडी हेयर्स अब एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ द पेडिकुलोसिस इचिंग इन द प्राइमरी सिम्टम है इट इज ए अकोर्स एलर्जिक रिएक्शन टू लाइस सलाइवा इंजेक्टेड ड्यूरिंग फीडिंग इन ए पेशेंट्स विदाउट पीरियड इन्फेस्टेशन ऑफ ऑनसेट इचिंग मे बी डिलेड अंटिल सेंसेशन अकर्स आफ्टर 4 to 6 वीक्स बाय द टाइम द इन्फेस्टेशन वेल एस्टेब्लिश्ड फ्यूचर एपिसोड रिजल्टिंग ए प्रुरेटिटस विद इन 1 to 2 डेज एक्सपोजर नेक्स्ट इंटेंस इचिंग लीड्स टू स्क्रैचिंग विद सब्सिक्वेंट सेकेंडरी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन एसोसिएटेड सर्वाइकल एंड न्यूक्लियर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट नेक्स्ट इन लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेस्टेशन द स्किन में बिकम लिंचनिफाइड एंड हाइपर पिगमेंटेड पार्टिकुलर इन द ऑफ द ट्रंक ऑन द ट्रंक मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो हेड लाउस होते हैं या बॉडी लाउस होते हैं वे एक जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है या संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क दौरान संचरण हो सकता है आराम से यानी मैंने जैसे पहले बोला था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये कॉन्टेक्ट से आसानी से ये संक्रमण फैलता है यानी कपड़ों में इसमें शामिल है यानी ब्रश हैं जो अपन सादा करते हैं घर के अंदर एक दूसरे से जैसे कॉम्स हैं इनका हमें पूरा संचरण के सही ये फैल सकते हैं ये अन्य साधन भी इसमें सभी संभव है जिसके कारण से तीव्र खुजली या क्रॉनिक इचिंग हो सकती है लाइव मूव टू क्राइंग डू नॉट जम्प डू नॉट फ्लाई डू नॉट यूज अ पैट्स ऑफ वेक्टर नेक्स्ट द मैन मोड ट्रांसमिशन हैड ए लाइज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट ह्यूमन डाइट नेक्स्ट डायग्नोसिस ऑफ द पेडिकुलोसिस शुड बी सस्पेक्टेड पेशेंट विद स्कैल्प प्रोटेराइटिस पार्टिकुलर इन चिल्ड्रन नेक्स्ट पैरासाइट पाइडर्मा अराउंड द नेक एंड ईयर शुड ऑल्सो स्टिमुलेट इन्वॉल्वमेंट इवेलेशन फॉर पेडिकुलोसिस कैपिटस हेड लाइज इन्वेस्टेशन इन डायग्नोस्ड डेफिनेटली बाय फाइंडिंग ऑफ द एक्चुअली वन लाइव लाइज विजुअल इंस्पेक्शन नेक्स्ट द ब्रिंग लाइट ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस एंड सेपरेटिंग द हेयर एड्स इन्फेक्शन सस्टमेटेडली कॉम्बिंग वेट ड्राई हेयर फाइन टूथ नीट कॉम्ब टीथ कॉम्ब टूपोन एम पार्ट बेटर कॉम्ब डिटेक्ट द लाउस इन्फेक्शन द विजुअल इन्फेक्शन ऑफ द हेयर द स्कैल्प एलोन द प्रेजेंस ऑफ द ओनली डज नॉट नेसेसरी इंडिकेटर ऑफ इन्फेक्शन एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ द हेयर सजेशन फाइंडिंग इन द नीट टू क्वार्टर इंच 6.5 mm टू स्कैल्प नीड्स फर्दर फ्रॉम द स्कैल्प ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन वेबल नेक्स्ट DDX यानी डेंड्रफ जो होता है उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं इस डिजीज को हेयर कास्ट वाइट टू येलो 2 to 7 mm कैरेक्टरियस ट्यूबुलर सीथ्स ऑफ द इन सर्किल हेयर शाफ्ट हेयर कास्ट में भी आइडियोपैथिक प्राइमरी हेयर कास्ट और मे अकर एसोसिएट विद द स्कैल्प कंडीशन सच एज सोरोबिक डर्माटाइटिस और सोरेसिस अनलाइक नीड्स हेयर कास्ट साइड इजिली लॉन्ग द शाफ्ट डेंड्रफ हेयर स्प्रे डेब्रिज डट पार्टिकल्स एंड पैडर्मा नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ पेडिकुलोसिस फर्स्ट इज टॉपिकल पेडिकुलिस आर द मोस्ट कॉमन इनिशियल ट्रीटमेंट सेकेंड मैनुअल रिमूवल ऑफ द लाइस वेट कॉम्बिंग विद द समटाइम यूज ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ टॉपिकल पेडिकुलोसाइड थेरेपी नेक्स्ट ओरल थेरेपी इज ओकेजनली रिक्वायर्ड ऑफ फॉर रिफेक्ट्री इन्फेस्टेशन नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट टू हेड टू लाइस इन्फेक्शन ऑफ द फोकस्ड 1-2 जनरल मैकेनिज्म न्यूरोटॉक्सिटी दैट इज इन पैरालिसिस ऑफ द लाउस एंड सुपरफिकेशन वाई कोटिंग द लाउस नेक्स्ट मोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द वर्क न्यूरोटॉक्सिटी नेक्स्ट बिकॉज सम डेवलपिंग एम्ब्रॉयज सर्वाइविंग इनिशियल ट्रीटमेंट ए सेकेंड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट 7 to 10 डेज द फर्स्ट कोर्स इज रिकमेंडेड टू किल न्यूली
हेड्स लिम्फ। नेक्स्ट है टॉपिकल पेडिकुलोसिस में एग्जांपल एक डब्ल्यू टिपिकल पेडिकुलोसिस इंक्लूड पायरेथ्राइड्स मेलाथियोन बेंजोइन अल्कोहल स्पाइनोसॉइड टॉपिकल इवर मेथिन। बेसिक प्रिंसिपल ट्रीटमेंट इंक्लूड हेयर कंडीशन शुड बी यूज टू पीरियड एप्लीकेशन दिस प्रोडक्ट मे रिजल्ट इन रिड्यूस एफिशिएंसी। नेक्स्ट राइजिंग द टॉपिकल पेडिकुलोसिस शुड बी परफॉर्म्ड ओवर ए सिंक रेदर टू देन शोवर बाथ टू लिमिट स्किन एक्सपोजर। नेक्स्ट है राइजिंग विद फार्म वाटर इन रेफर टू हॉट वाटर टू मिनिमाइज वैसोडाइलेशन एंड सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन। पहला टॉपिकल ट्रीटमेंट्स में है परमेथिन या पेड्रिमिन्स। वेल टॉलरेट एंड इन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है दैट हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूज ऑफ पेडिकुलोसिस कैपिटस। परमेथिन आर ए प्रेफर्ड चॉइस ऑफ द इनिशियल थेरेपी एरियाज वेयर रेसिस्टेंट टू दिस प्रोडक्ट हैज नॉट हैज बीन प्रोवन। पायरेथ्रिन्स कैन बी यूज फॉर पेशेंट्स बिलो 2 to 8 एज। परमेथिन कैन बी यूज पेशेंट्स इन्फेंट्स 2 months ऑफ द एज इन प्रेगनेंसी कैटेगरी बी ड्रग्स इन ब्रेस्ट फीडिंग अननोन। 0.5% मेलाथोन लोशंस दिस नाम इज अवॉइड इट इज अ हाईली इफेक्टिव एंड ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट हीट लाइस इन्फेक्शन बिकॉज इज द ओडोर इन्फ्लेमेबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इट इंजेस्टेड मेलाथियोन इज कंसिडर्ड ए सेकेंड लाइन एजेंट। काउंट्रा इंडिकेटर इन चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 2 इन सेफ्टी नर्सिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन अंडर 6 years ऑफ द एज अनसर्टन ए प्रेगनेंसी कैटेगरी बी ड्रग। नेक्स्ट है डिमेथिकोन। डिमेथिकोन इज ए नॉन सस्पेक्टेड सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल बिलीव्ड ए वर्क बाय कोटिंग लाइस डिस्ट्रिब्यूटिंग देयर एबिलिटी ऑफ मैनेज वाटर फ्लो इनटू द ब्रीथिंग सिस्टम सप्लो लाइस लिम्स एग एम्ब्रोइज। एफिशिएंसी ऑफ डिमेथिकोन इज रिकमेंडेड इन मल्टीपल स्टडीज। नेक्स्ट है इन ए डेंडोलाइज ओपन लेबल ट्रायल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम 90% ए सिंगल 15-minute एप्लीकेशन ए डायमेथिकोन 4% जेल वाज सुपीरियर एंड टू 10 minutes एप्लीकेशन ऑफ प्रेमेथिन 1% क्रीम रिंस 70% वर्सेस 15% ट्रीटमेंट सक्सेस रेट। नेक्स्ट ए सेपरेट असर ब्लाइंडेड यूनाइटेड किंगडम ट्रायल एंड 73 दैट कंपेयर टू 8 टू होर ओवरनाइट एप्लीकेशन डायमेथिकोन 4% लोशन टू 12 होर ऑफ ओवरनाइट एप्लीकेशन मेलाथोन 0.5% लिक्विड आल्सो फाउंड डिमेथिकोन मोर इफेक्टिव डू नॉट यूज इन चिल्ड्रन बिलो 2 years ऑफ एज। और एजेंट्स क्या क्या होते हैं, पहला है आइवरमेक्टिन या स्ट्रोमेक्टोल। ये ओरल डोज होती है 200 मिलीग्राम्स की इफेक्टिवली किल्स लिम्फ्स एंड लाइस बट नॉट एग्स। ये सिर्फ लिम्फ्स और लाइस को मारती है, उनके जो एग्स हैं उनको नहीं मारती, ये किल नहीं करती। द किल इन न्यूली हैच लिम्फ ए सेकेंड डोज ऑफ ए लिव ए 7 to 10 days आफ्टर द फर्स्ट डोज। इन द यूनाइटेड द ड्रग इज नॉट लेबल टू यूज ए चिल्ड्रन वेटिंग लेस देन 15 kg। प्रेगनेंसी कैटेगरी सी सेफ्टी ब्रेस्ट फीडिंग इज अननोन। कॉज ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर ऑफ पेडिकुलोसिस मिस डायग्नोसिस नॉन कम्प्लियंस फेलियर ऑफ द फॉलो इंस्ट्रक्शंस करेक्टली इन एडिक्वेटली क्वांटिटी ऑफ पेडिकुलोलाइट्स अप्लाइड री इन्फेस्टेशन रेसिस्टेंस। हाउस होल्ड रिकमेंडेंट्स क्या क्या होते हैं, हाउस होल्ड रिकमेंडेंट्स फूड बी एग्जामिन एंड ट्रीट इन्फेस्टेड लाइव लाइस नीड्स विद इन 1 centimeter ऑफ स्कॉल डिटेक्टेड। बैटमैन शुड बी एडवाइज ट्रीटेड प्रोफी लैक्टिसली डाटा वेदर डिस्पेक्टेड ए पर्सन स्कूल और हाउस होल्ड आइटम्स डिक्रीज द लाइक और द इन्फेस्टेशन आर लैकिंग बिकॉज लाइस हैव लव लाइस लाइव क्लोज टू द स्कॉल्प नीड्स एंड अनलाइकली हैच एट रूम टेम्परेचर एंड एनवायरमेंट क्लीनिंग इन ए नॉट वारंटेड। लाउ सर्वाइवल ऑफ ए स्कॉल्प बियॉन्ड 48 hours अनलाइकली। नेक्स्ट एट मोस्ट वॉशिंग आइटम्स द क्लोज प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट द एज हेड एग्जाम्पल हेड्स पिलोकेसेस वर्सेस एंड कॉम्स मे बी वॉन्टेड। वॉश सच आइटम्स हॉट ए 66 degrees एंड ड्राई डैम इन हॉट ड्राइड 15 minutes। स्टोरिंग एनी आइटम रिलेटेड टू प्लास्टिक बैग्स 2 weeks ऑफ द बोथ लाइव लाइस एंड नीड्स। ब्रशेस एंड कॉम्स मे बी सॉक्ड इन हॉट वाटर टू 10 minutes।
वैक्यूम क्लीनिंग फर्नीचर कारपेटिंग विद ऑन विच इन द इन्फेस्टेड पर्सन ए सेट एड ले डाउन हैज आल्सो बीन सजेस्टेड ऑफ नॉट ए रिस्क ट्रांसमिशन डिजीज एट साइट ऑफ द लो स्पेयरिंग एट होम ए पेडिकुलर इज रिकमेंडेड। हाउस ऑफ रिकमेंडेड में ये है कि कुछ हमें जनरली जो एक्सपीरियंस बातें ध्यान रखनी है उसमें ये है कि हमें जो जो कॉम्स वगैरह हैं हमारे वो हमें यूजली एक दूसरे को नहीं करने हैं, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको ज़मीन पे कभी छोड़ना ताकि वह इस पेडिकुलोसिस को और इन्फेक्टेड कर सकता है क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट होता है। अब एक्सक्लूडेड फॉर फ्रॉम स्कूल्स जो चिल्ड्रंस होते हैं स्कूल्स में ये होते हैं इस शुड नॉट बी एक्सक्लूड स्कूल बेस्ड ऑन द पेशेंट ऑफ द लाइव लाइफ नीड्स फिर चिल्ड्रन शुड बी अवॉइड डायरेक्ट हेड कॉन्टेक्ट विद अनयूजुअल शुड बी ट्रीटेड प्रॉम्प्टली विद टॉपिकल पेडिकुलाइट वेट कॉम्बिंग सीजन्स। अब नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट इज द पेडिकुलोसिस प्रोवाइड क्लाइंट ए फैमिली टीचिंग रिगार्डिंग मेजर द ट्रीट पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस के अनुसार हमें फैमिली को टीच करना है जो कि मोस्ट ऑबली पेडिकुलोसिस में बहुत जरूरी है। टीच द क्लाइंट ऑफ द लाइस फॉर पेरेंट द क्लाइंट ए चिल्ड शैम्पू विद लिंडेन एंड रिमूव नीड्स एंड विद ए फाइन टूथ कॉम। दिस इज कंप्लीट द स्किन इन्फेक्शन डिजीज स्क्वेस एंड पेडिकुलोसिस। थैंक यू एवरीवन ऑल ऑफ यू।